जहां झुग्गियों में बड़ी आग लग गई है। मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां आग को बुझाने की कोशिश में इस वक्त लगी है। अभी तक किसी के हताहत होने या जख्मी होने की कोई भी खबर नहीं आई है। 40 लोगों को सुरक्षित अब तक बाहर निकाला जा चुका है। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला है। तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ संवाददाता वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण, बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ खबर आ रही है और क्या ताजा अपडेट है वहां से? बिल्कुल, बड़ी घटना है। रात 2 बजे ये संजय कॉलोनी की झुग्गियों में आग लगी थी। वहां पर एक कतरन का गोडाउन होता है, उसमें पहले बताया जा रहा है आग लगी। उसके बाद देखते है आग जो की झुग्गियों में फैल गई। फायर ब्रिगेड की करीब 30 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। जब आग लगी थी करीब 40 से 50 लोगों को सुरक्षित फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है उन्होंने बाहर निकाला। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन अभी कूलिंग प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद ही जो पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। वरुण, ये इस झुग्गी में आग आखिर लगी कैसे, क्या कुछ इसके बारे में कुछ पता अब तक चल पाया है? मैंने बताया कि जो झुग्गी है उसके पास में कतरन का भी गोडाउन था, जिसमें जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इस तरह की चीजें स्टोर की जाती थी, उसमें पहले ये आग लगी है। उसके बाद जो आग की बढ़ते बढ़ते झुग्गियों की तरफ बढ़ गई और एक के बाद एक कई झुग्गी आग की चपेट में आ गई। क्योंकि देर रात का समय था, जो लोग थे वो घर में सो रहे थे, उन्हें पता नहीं चला। और जब आग बढ़ी तब लोग अपने घर से बाहर निकले और भागे। तब तक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी, उसने लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। इस तरह की अभी तक जानकारी नहीं आई है कि कोई इसके अंदर अभी भी फंसा हुआ हो या हताहत हो। जो वहाँ पे जो परिवार के जो लोग हैं मौजूद हैं, उनका कहना है कि उनके सभी परिवार वाले बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह की किसी के घायल होने की फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। अधिकारियों का कहना उसके बाद भी जो पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। ABP News आपको रखे आगे।